नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के न्यूज इन फ्लैश में। तो चलिए आज की न्यूज देखते हैं। आज की जो पहली खबर है ये आयुष मिनिस्ट्री के बारे में है, आयुष मंत्रालय के बारे में है। हाल ही में नए इंटरनेट पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किए गए हैं आयुर्वेद डेटा सेट के लिए, अमर RMIS सही और ई मेधा पोर्टल। इन पोर्टल्स का उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जो पहला पोर्टल है CTRI, ये आयुर्वेदिक क्लिनिकल ट्रायल के बारे में विजिबिलिटी प्रदान करेगा वैश्विक स्तर पर, और यहाँ से एक रिकॉग्निशन हमें आयुर्वेद के जो विभिन्न ट्रायल्स रहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, वहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे सही पोर्टल भी, SAHI सही पोर्टल भी यहाँ पे शामिल किया गया है। ये एक ऑथेंटिक रिसोर्स होगा जहाँ पे आयुर्वेद की जो दवाइयाँ है या आयुर्वेद से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसकी हिस्टोरिकल वेरासिटी बताई जाएंगी, उसकी जो ऐतिहासिक जो भी साक्ष्य है वो प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके अलावा अमर पोर्टल, AMAR अमर पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जो कि एक रिपोजिटरी होगी आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और सोवा रिग्पा मैन्युस्क्रिप्ट के कैटलॉग्स की। चलिए अगली खबर जो है ये निपुण भारत के बारे में है। निपुण भारत, जिसका अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये उद्देश्य है इस पूरे प्रोजेक्ट का, इस पूरे अभियान का उद्देश्य ये है कि क्लास 3 तक जब बच्चा आ जाता है तब उसे यहाँ पर लर्निंग कॉम्पिटेंसीज उसमें सारी आ जाए, मतलब वो पढ़ सके, वो लिख सके और नंबरों को समझ सके। COVID-19 के चलते हुए यह जो लक्ष्य था निपुण भारत का, इसे बढ़ा के 2026-27 के वर्ष तक कर दिया गया है। उसके साथ में निपुण भारत जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। अगली खबर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हाल ही में yatra.com के साथ एक MOU साइन किया है। यहाँ पर जो टूरिस्ट है उन्हें एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। तो यहाँ पर एक्सटेंसिव विजिबिलिटी टू एकोमोडेशन यूनिट्स, जो उनकी रहने की व्यवस्था है उसे अच्छी बनाने के लिए यहाँ पर ये MOU साइन हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे साथी जो कि है सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री ऑन द OTA प्लेटफॉर्म। तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो है उसे बेहतर बनाने के लिए भी ये MOU जो है वो बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। उसके अलावा द आइडिया इज ऑल्सो टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन अकोमोडेशन यूनिट इन ऑर्डर टू गेन एक्शनेबल इंसाइट एंड डिजाइनिंग एविडेंस बेस्ड एंड टारगेटेड पॉलिसी मेजर एंड टू प्रमोट सेफ ऑनरेबल एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। तो यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाएगा, डेटा अर्थात डेटा कलेक्ट किया जाएगा सर्विसेज बेहतर बनाने के लिए, जो एकोमोडेशन और उससे जुड़ी हुई जो सर्विसेज है उसे बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया जाएगा। उसके अलावा जो अगली खबर है ओलंपिक से है। भारत की ओर से जो फ्लैग बेयरर रहेंगे वो है मनप्रीत सिंह और मैरीकॉम। मनप्रीत सिंह और मैरीकॉम जो है जो भारतीय कंटिंजेंट होगा उसको लीड करेंगे फ्लैग के साथ। वही क्लोजिंग सेरेमनी में रेसलर बजरंग पूनिया फ्लैग बेयरर होंगे भारतीय टीम के। आपको बता दूं कि भारतीय कंटिंजेंट जो जा रहा है उसमें करीब 126 एथलीट्स जा रहे हैं और 75 ऑफिशियल्स हैं। तो टोटल हमारा कंटिंजेंट जो होगा, हमारी भारतीय टीम जो होगी वो 201 मेंबर्स की रहेगी। उसके अलावा अगली खबर जो है ये स्टैन स्वामी के बारे में है, फादर स्टैन स्वामी। भीमे कोरेगांव मामले में ये काफ़ी लंबे समय से इन्हें गिरफ्तार करके रखा था, NIA ने जाँच की थी, देन स्टेट अथॉरिटीज के अंडर भी ये थे। तो यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई है, बताया जा रहा है कि COVID-19 हुआ था। उसके बाद में और भी इन्हें पहले से यहाँ पे इनका जो कंडीशन थी वो ख़राब थी, उसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। तो 8 अक्टूबर 2018 को इन्हें अरेस्ट किया गया था और चार्जशीट इनके अगेंस्ट फाइल की गई थी
एनआईए के द्वारा। इन्हें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट किया गया था 2018 की जो भीमा कोरेगांव वायलेंस थी उसके चलते। बताया जाता है कि सरकार के द्वारा इससे ये बताया जाता है कि सीपीआई मॉइस्ट जो है उनसे भी इनके लिंक थे। तो यहाँ पर बता दूँ आपको कि जनवरी 2021 में जो स्टैन स्वामी है, फादर स्टैन स्वामी है, उनको मुकुंदन सी मैनन अवार्ड 2020 से भी नवाजा गया उनके ह्यूमन राइट्स में सर्विस के लिए। अगली जो खबर है ये अमेजन के बारे में है। अमेजन के न्यू सीईओ बनने वाले हैं एंडी जैसी। अभी तक ये कुर्सी जो है जेफ बेजोस जो कि फाउंडर है इस कंपनी के उनके पास में थी, लेकिन अब ये एंडी जैसी के पास में पास होने वाली है। एंडी जैसी ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम करा है क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में और अमेज़न को इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ाया है। उसी को देखते हुए शायद अब ये कमान इनके पास में दी गई है। अमेज़न जो है ये एक ई कॉमर्स कंपनी है, साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल स्ट्रीमिंग की भी सेवा मुहैया करवाती है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये अपना काम करती है। तो यूएस की जो पांच बड़ी कंपनियां हैं जिसमें गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक है, उन्हीं में पांचों में अमेज़न भी एक कंपनी है। अगली जो खबर है ये है पैनकिया को डीजीसीआई ने स्पुतनिक वी बनाने का यहाँ पे लाइसेंस प्रदान किया है। इमरजेंसी लाइसेंस के अंतर्गत स्पुतनिक वी को पहले ही यहाँ पर एज अ वैक्सीन देने की परमिशन डीजीसीआई से मिल गई थी। अब इस कंपनी को भी यहाँ पर ये परमिशन मिल गई है कि वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं स्पुतनिक वी को। इससे पहले क्वालिटी कंट्रोल के लिए स्पुतनिक वी को भेजा गया था, तो ये भारत और रशियन कंपनी जो है जो इसे बना रही है दोनों के द्वारा इसे सक्सेसफुली पास कर दिया गया था क्वालिटी मेजर्स पे। अगली खबर है चाइना के दीदी फर्म के बारे में। क्या है ये दीदी फर्म? दीदी फर्म एक हम कह सकते हैं जैसे ओला और उबर रहता है राइड हेलिंग एप्स है, वैसा ही दीदी एक बहुत बड़ा चीन का राइड हेलिंग ऐप है। लेकिन इसे यहाँ पर चीन के द्वारा रेगुलेटिंग एजेंसीज के द्वारा यहाँ पर इसे इसका जो एक्सपांशन है ये रोक दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ये देखा कि न्यूयॉर्क के मार्केट में दीदी ऐप जो है वो ट्रेड हो रहा था, ये जो कंपनी है ये ट्रेड हो रही थी, इसी के चलते हुए इसे रोक दिया गया है। तो यहाँ पर इसका ऑपरेशन 14 अलग अलग कंट्रीज में था जिसमें ब्राज़ील और मैक्सिको जैसी कंट्री भी शामिल है। चीन में काफ़ी लंबे समय तक उबर नहीं था, दीदी कंपनी के मदद से ही उबर चाइना में अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर पाया है। तो यहाँ पर चीन का ये कहना है कि सस्पेंड इसलिए किया गया है दीदी को क्योंकि यहाँ पर इलीगल तरीके से ये डेटा कलेक्ट कर रहे थे, पर्सनल डेटा का ये इस्तेमाल कर रहे थे बिना अनुमति के। उसी के चलते हुए इनकी मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस के लिए इन्हें बंद किया गया है, इन्हें सस्पेंड किया गया है। तो चलिए आज का जो हमारा मुख्य समाचार है वो यही समाप्त होते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।